नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवप्रसन्नी और आप देख रहे हैं दिल्ली नाइट नाइन। देश में राम मंदिर का मुद्दा इस वक्त बेहद गर्माया हुआ है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे दो दिन तक अयोध्या में रहे और उन्होंने उस दौरान कहा कि भगवान राम सिर्फ बीजेपी के नहीं थे, तमाम पार्टियों को, तमाम लोगों को उसमें बीजेपी का सहयोग करना चाहिए। उद्धव ठाकरे की इसी बात को लेकर अब केंद्रीय मंत्री उमा भारती का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से कहा कि भगवान राम सिर्फ बीजेपी के नहीं थे, वो इस बात की सराहना करती हैं उनकी, और साथ ही उन्होंने कहा कि देश की तमाम पार्टियों के नेताओं को राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग करना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और अकाली दल जैसी तमाम पार्टियों को राम मंदिर निर्माण में सहयोग करना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ओवैसी और आजम खान जैसे नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि इन तमाम नेताओं को भी राम मंदिर के निर्माण में बीजेपी और केंद्र सरकार का सहयोग करना चाहिए। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे दो दिन के अयोध्या दौरे पर थे और रविवार को उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को कुंभकर्ण बताया। उन्होंने कहा कि 4 सालों से बीजेपी सोई हुई थी और जब चुनाव आए हैं तो वो राम मंदिर का मुद्दा फिर से उठने लगा है। उन्होंने कहा कि तमाम पार्टियों और तमाम लोगों को मंदिर के निर्माण में सहयोग करना चाहिए बीजेपी का, जिसको लेकर उमा भारती ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर राम मंदिर का मुद्दा है या अयोध्या का जो विवाद है, अगर उसका फैसला अदालत को ही करना है तो इसे एक चुनावी जुमला ना बनाए, चुनावों के वक्त इस मुद्दे को ना उठाया जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि अब मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार जनता से माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने चुनावों के वक्त ये वादा जनता से किया था कि वो अगर सत्ता में आते हैं तो वो राम मंदिर का निर्माण करेंगे। लेकिन साफ तौर पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक चुनावी जुमला था और जो वो अब आने वाले चुनावों में नहीं चलने देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो सिर्फ इतना कहने के लिए अयोध्या आए हैं कि हिंदुओं की जो आस्था है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ ना करें और अयोध्या में जो राम मंदिर का मुद्दा है उसे कोई चुनावी जुमला ना बनाए। और अधिक खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।